सो आज का वीडियो गर्ल्स के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है और लौंडों के लिए तो होगा ही, क्योंकि जहां लड़कियां वहां लड़के, लौंडे तो देख ही लेंगे क्योंकि लड़कियों के लिए स्पेशल है। तो जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सो आज के वीडियो का टॉपिक है गाइज आंसर क्वेश्चंस व्हिच गर्ल्स आर अफ्रेड और ऑकवर्ड टू आस्क। सारी सरकारी स्कूल की ऑडियंस लेके बैठा हूँ, जैसा मैं वैसी ऑडियंस, बताता हूँ, रुक जाओ। सो आज के वीडियो का टॉपिक है लड़के उन सवालों के जवाब देंगे जो लड़कियां लड़कों से पूछने में शर्माती, ऑकवर्ड फील करती हैं या डरती हैं। समझ में आ रहा है? आई नो आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, मेरे को तो एटलीस्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि ऐसे वीडियो अपने अपने चैनल पर कभी किए भी नहीं है। और मैं तो सागर शर्मा की लेटेस्ट वीडियो जो आई है वो मर्डर ट्रायल वाली वो देख रहा था, ये सजेशन में आया और भाई साहब टाइटल देखते रुक गया मैं, कहा मजा आएगा भाई, मजा आएगा, हम भी जवाब देंगे। क्या नाम है? शार्क शी, एक तो नाम ऐसे, हम भी जवाब देंगे दीदी, जो जो सवाल पूछेगी, हम भी लौंडे हैं, हम भी अपनी राय रखेंगे यार, हमें भी जवाब देने हैं, हमारी वुमन गैंग भी कमेंट सेक्शन में जवाब देगी, आएगी नहीं? सही बात है। एक्चुअली जब मैं डिप्लोमा में था तो मेरी एक गर्ल फ्रेंड थी, ठीक है। तो मेरा एक दोस्त था, हम जहां भी जाते थे साथ ही जाते थे, तो वो चूतिया टॉयलेट करने मेरे बिना जाता ही नहीं था, ये हाल था उसका। तो लड़की ने एक दिन ऐसी पूछ लिया मुझसे, तुम साथ ही में लड़के लड़के साथ ही में क्यों जाते हो टॉयलेट, अकेले अकेले क्यों नहीं जाते? तो बड़ा ही सिंपल सा जवाब था उसका जो मेरे दिमाग में आया, क्योंकि हम चूती हैं। सीरियसली हम चूती हैं भाई, कोई रीजन ही नहीं है इसके पीछे, हम झुंड में ही जाते हैं वॉशरूम, क्यों जाते हैं आई डोंट नो, भगवान जाने। तो इसीलिए मैं कहा देखें क्या कौन कौन से सवाल साक्षी जी पूछने वाली है, या लड़कियों के दिमाग में ऐसे कौन से सवाल होते हैं जो लड़कों से पूछने में डरती हैं, तो हम भी देंगे जवाब भाई, क्यों नहीं देंगे। एंड ट्रस्ट मी, मैंने ये वाली वीडियो नहीं देखी अभी तक, तुम लोगों के साथ ही देखना शुरू करूंगा, चाहता तो पहले भी देख सकता था पर फिर वो सवाल ऑलरेडी पता होते, फिर जवाब देता तो मजा नहीं आता, तो मैंने सोचा रैंडम रखते हैं साथ के साथ तुम्हारे देखते वीडियो को, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। When a girl is passing by, okay, what do you notice first? All right. तो जब लड़की सामने से गुजरती है तो क्या नोटिस करती है? मैं फेस नोटिस करता हूँ भाई, बाकियों का पता नहीं, तुम अपने अपना देख लो। देखें मोहतरमा के साथ के जो दो लौंडे हैं उनके जवाब क्या आते हैं? Face problem. What's probably? Face. Okay, yeah. What about you? Yeah, face. भाई इससे पता लगता है कि लौंडों की थिंकिंग सेम सेम ही होती है यार, हद हो गई है ना, वैसे फेस ही देखेंगे और क्या, वही ऑब्वियस सी बात है, ये तो बड़ा ही बेसिक सा सवाल था, सारे लौंडे मेरे ख्याल से फेस ही देखते होंगे, तुम लोगों भी कमेंट में तुमने फेस ही लिखा होगा। Two guys view girls differently. क्या है साक्षी जी, क्या ये क्या चल रहा है? नीचे लिखा कुछ और है, आप क्वेश्चन कुछ और बोल रहे हो, दोज वर्ड खागी वैन हु की जगह वैन, क्या आपके वर्ड सुने या फिर नीचे पढ़े? हमें पढ़ने दो आप। डू गाइज व्यू दोज गर्ल्स डिफरेंटली हु डू इट इन द फर्स्ट टाइम इट सेल्फ। डू गाइज व्यू दोज गर्ल्स डिफरेंटली हु डू इट इन द फर्स्ट टाइम इट सेल्फ। अच्छा ठीक है, नहीं समझ आ रहा भाई, क्या करूं, सरकारी स्कूल वालों, नहीं पल्ले पढ़ रहा, पता नहीं क्या लिखा है। तुम्हें समझ आ गया क्या है? तुम्हें समझ आया बोलिए दोबारा। नहीं पढ़ना तुम्हारे पल्ले भी, सब सरकारी स्कूल वाले, हम सब इन्हीं को पढ़ने दो, हमें नहीं पल्ले पड़ा भाई, साफ और सीधी सी बात है। दीदी आप ही बताओ क्या इसका जवाब। अबे मेरे पे गए तो चोमू तो मैं तो ऐवे ही अपने आप को एम्बैरेस फील कर रहा था, मैंने तो पहले मन में सोच लेते वाला पोर्शन काट दूंगा भाई, बहुत बेइज्जती हो रही है, ऑडियंस सोचे कि साले को अंग्रेजी भी नहीं आ रही, समझ में भी नहीं आ रहा, उन्हें भी पल्ले नहीं पड़ा, तुम भी ऑकवर्ड मत हो ठीक है ना, क्वेश्चन ही बड़ा अटपटा था, नहीं किसी के पल्ले नहीं पड़ा। एक लड़की एक बार काट कर चले गई, एक सुंदरी एक बार काट कर चले गए, वो वापस आ रही है, तो भाई हम तो अलाव नहीं करेंगे, साफ और सीधी सी बात है, मैं तो नहीं करूंगा। मजबूती देख रहे लौटने की, भैया उसको काटने की आदत लग चुकी है। हमारी आंखों में देखो और कहो कि तुम्हें हमसे प्यार नहीं। A girl back if she cheated on you. No, never. ओ चश्मू तू मेरे को कॉपी क्या कर रहा है बे, हद हो गई है, तू भी कर ले टोपी मास्टर कॉपी। मजाक कर रहा हूँ, मैक्सिमम लड़कों का नहीं होगा भाई। हाँ अगर लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही ज्यादा गजब है, फिर तो लड़के तो लड़के हैं, मचल तो जाएंगे, फिर तो आने ही देंगे और क्या, साले कुत्तों की जिंदगी। लेकिन वो फिर काटेगी, फिर जाएगी, कब तक रिचार्ज कराओगे भैया? जब तक है जान, जब तक है जान। The next question is,
why do guys ghost girls? And for the those people who don't know what ghost means, कसम से मैं बहुत सही हुआ, नहीं तो मैं पहली चीज यही बोलने वाला था अभी कि रहने दो, मुझे नहीं खेलना है। इतने ओखी ओखी अंग्रेजी के क्वेश्चंस हैं भाई, कहाँ से जवाब दूं? पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अब व्हाई डू गाइस घोस्ट गर्ल्स नहीं पल्ले पड़ती भाई। अच्छा हुआ साक्षी जी ने पहले ही रोक के खुद ही बता दिया कि घोस्ट का मतलब क्या होता है। हाँ जी बताइए। इट मींस समटाइम्स व्हेन गाइस सडनली स्टॉप रिप्लाइंग और स्टॉप कॉलिंग और जस्ट स्टार्ट बिहेविंग वियर्ड, इग्नोरिंग, दैट्स कॉल्ड घोस्टिंग। पहले मैं जाऊंगा, वो क्यों जाएगा पहले? मैं जाऊंगा पहले। अच्छा मतलब लड़के जब सडनली रिप्लाई करना बंद कर दे, ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज ज्यादा कि मेरा हिसाब है, जब वो किसी से बात नहीं करना चाहते, साफ और सीधी सी बात है, मतलब अगर कोई लड़की उनको कॉन्स्टेंटली टेक्स्ट कर रही है तो वो रिप्लाई नहीं कर रहे, दैट मीन वो इंटरेस्टेड नहीं है, साफ सी बात है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उस बंदे से या बंदी से नफरत करते हैं, ठीक है, जिसको रिप्लाई करना बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई अपने काम बहुत है यार, तो जस्ट इग्नोर, ठीक है, ऐसा कोई हेट वाला एंगल नहीं है, बट नहीं मन कर रहा बात करने का बिकॉज अपने बहुत काम है एंड तुम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो, काम से ऊपर नहीं हो, टू बी ऑनेस्ट। सो ये है रीजन, ठीक है, मेरा, बाकियों का पता नहीं। अब बोल। आई थिंक व्हेन आई मीन व्हेन बोथ ऑफ देम डोंट हैव अ कॉमन ग्राउंड, द एक्सपेक्टेशंस आर प्रीटी डिफरेंट फ्रॉम अ गाइस एंड एंड फ्रॉम अ गर्ल्स एंड मे बी दैट्स द टाइम पीपल गोस, आई मीन गाइस गोस। ओके, व्हाट अबाउट यू? व्हेन द अदर पर्सन इज बोरिंग और व्हेन आई फील लाइक शी इज नॉट, ये चश्मिश इसकी मेरी थिंकिंग सेम है भाई साहब। What is the biggest turn off? लड़कियां टर्न ऑफ कर सकते हैं भाई? हमें नहीं, जिन्होंने कभी लौंडिया से इतनी खासा बात ही नहीं करी है, मसमस, अब फिर तो आने दो, कैसी भी हो लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए, आने दो। हम ना ये टर्न ऑफ टर्न ऑफ ना होता, ये चोचले उन्हीं लड़कों के होते हैं जो स्टड होते हैं भाई साहब, जिन्होंने एक गई दूसरी पटाली दूसरी तीसरी, ना हमारा ऐसा एंगल नहीं है, जैसी भी चलेगी। लाइंग झूठा, तेरे को झूठ बोल दिया किसी लड़की ने तो तू टर्न ऑफ हो गया, मुक्का मारूंगा चश्मे, झूठ बोलता है कद्दू मेरा, सच बता, झूठ झाड़ से कोई टर्न ऑफ नहीं होता, ठीक है ना? आए दिन साला हर कोई झूठ बोल रहा है आज के टाइम पे, लड़के लड़कियों को, लड़कियां लड़कों को, बड़ी नॉर्मल चीज है यार। क्या वो चीट वाला झूठ नहीं कह रहा हूँ मैं, ऐसे नॉर्मल वाला लाइंग, बड़ा प्यारा झूठ बोल रहा है। सही कहा, इसके कहने से I'm agree, bad breath, turn off, तगड़े वाला भाई साहब। So, best and worst thing about being a boy. Best and worst thing about being a boy. इनके जवाब सुनने से पहले मैं अपने दे रहा हूँ, ठीक है ना? देखना है ना फिर सारे लड़कों की मेंटालिटी सेम है कि नहीं है, पहले अपना दूंगा फिर इनका दूंगा, फिर तुम्हारे कमेंट सेक्शन में पढ़ूंगा अभी, तो तुम भी क्वेश्चन रीड करते ही जो तुम्हारे दिमाग में पहली चीज आ रही है लौंडो लिख देना, और लड़कियां तो खैर तुम तो मजे करो, तुम्हें तो पता लग रही है नवी नवी बातें। बेस्ट थिंग तो यार बींग अ बॉय इज रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम होती हैं, साफ और सीधी सी बात है, गर्ल्स के ऊपर अंधा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना, लड़कों के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो करना है जैसे करना करो, ये तो बेस्ट चीज हो गई है। और वर्स्ट चीज ऑफ बींग अ बॉय इज लड़का होने के नुकसान क्या है? अटेंशन नहीं मिलता, जैसे लड़कियों का अटेंशन बहुत मिलता स्कूल कॉलेज में, लड़कों का हमें कहाँ कोई देख के राजी यार, सारी जिंदगी अकेले दोस्त के साथ टॉयलेट करने जाने में आने में एक समोसे के 5 हिस्से करने में निकल जाएगी। बस चीज तो पता नहीं यार, पता नहीं भाई, देखो किसका टर्न था अभी? तो साला दो बंदे खेल रहे हैं साक्षी जी तुम्हारे साथ, तुम उसमें भी कंफ्यूज हो रही हो। यार ये चश्मिश के सारे थॉट्स मेरे से मिल रहे हैं यार, कितना प्यारा है तू, सही बात है लड़कों के पास रिस्ट्रिक्शन, सेम चीज ही बोल दी इसने। बाय द वे वो जो सेकंड पॉइंट इसने बोला वो मेरे दिमाग में भी था, टू बी ऑनेस्ट मेरे दिमाग में भी था वो एक्सपेक्टेशंस वाला, बट मैंने वो बोला नहीं, मैं कहा नहीं, इन्होंने कहा तो क्या भाई साहब मुझे तो वीडियो फनी बनाना है ना, मैं सारी सीरियस बातें बोलता रहूंगा तो क्या ही बात रह जाएगी। मैं बोल देता हूँ मैडम आप इतना क्यों बोल रहे हो, माना आप सुंदर हो, अमूल्यन का मन लगा रहेगा आपको देख देख कर, लेकिन स्टिल हाउ टू टेल व्हेन अ गाय इज इंटरेस्टेड एंड व्हेन ही इज नॉट। ओके, इसका जवाब शायद लड़कियां काफी बेसब्री से जानना चाहती होंगी, बिकॉज लड़कों को भी जानना है। देखो साफ और सीधी सी बात है, अगर लड़का इंटरेस्टेड है, अगर तुम उससे चैटिंग वगैरह कर रही हो तो इंस्टेंट रिप्लाई मिलेंगे, तुम्हें इंस्टेंट रिप्लाई मिलेंगे, लौंडा खाना छोड़ देगा, सोना छोड़ देगा, लेकिन रिप्लाई टाइम पर देगा। हाँ अगर आमने सामने की बात है तब वो तुम्हें देखेगा, साफ और सीधी सी बात है, अगर तुम सेम क्लास में हो कॉलेज में हो तो डेफिनेटली, या कैंटीन में तुम घूम रही हो तो डेफिनेटली तुम्हारी तरफ एक या दो नजरें मारेगा पक्का 110%। हाउ टू फिगर आउट व्हेदर ही लाइक्स यू is when he is doing something that you're not expecting. Like what? He is suddenly texting you a lot, he is liking your pictures, he is
he wants to talk to you more, or you know, he has the intention of talking more to you. And when is not? भैया अगर वही same सी बात है, लड़का interested नहीं है, भाव नहीं दे रहा तुम्हें, तुमसे बात नहीं कर रहा, तुमसे दूर भाग रहा है, इग्नोर कर रहा है, सिंपल एज दैट, ह्यूमन नेचर है ब्रो, कोई किसी को इग्नोर करेगा तो वो इंटरेस्टेड नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। एनीवेज आई होप तुम वीडियो में मजा आएगा यार, एंड लड़कियों को काफी कुछ जानने को मिला होगा। और आई नो ये क्या टोनी का नया गाना है, टोनी का नया गाना है, रोस्ट करो रोस्ट करो, अरे भैया सुधरने की कोशिश कर रहा है वो, ओ सनम निकाला उसने, मतलब कितने हरामी हो सारी ऑडियंस, सबके सब हरामी हो, मतलब है वो चूतिया गाने निकालता है, रोस्ट करो रोस्ट करो रोस्ट करो, अच्छा गाना निकालने की कोशिश करता है, रोस्ट करो रोस्ट करो, अरे सुधरने का मौका तो दो लल्ला को। और वैसे भी जब चूते गाने निकालता है आग मूंदते हैं व्यूज, और अभी देख लो अच्छा गाना निकाला है तो फिर व्यूज कम है, तो अगला फिर मजबूर तो होएगा ना गुनेगार बनने में, फिर निकालेगा वो अगला गाना, अब देख लो वो लिख रहा होगा कोई गाना, पता नहीं क्या ही लिख रहा होगा, कोल्ड्रिंक पी रहा होगा तो कोल्ड्रिंक पे लिख रहा होगा गाना। एनीवेज आई होप तुम्हें वीडियो में मजा आएगा गाइस, एंड इसके तुम्हें और पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए वो भी डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि मुझे पता लगे इस टाइप का कंटेंट तुम्हें पसंद है या नहीं है। एंड शार्क शी एस इनके चैनल की ये वीडियो, इस पे रिएक्ट किया मैंने, बाय द वे अगर तुम ये वीडियो देख रही हो या देखोगी इन फ्यूचर तो भाई आई एम सॉरी, तुम्हारी वीडियो लेकर मैं उस पे रिएक्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज ऑफेंड मत होना, बाय द वे ऐसा कुछ किया नहीं ऑफेंड वाला, बट स्टिल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।